नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर योगेश कुमार ने जानना चाहा है कि यदि मेरे पास किसी गाड़ी का मान्य टिकट हो तब भी क्या हमको प्लेटफॉर्म टिकट लेना चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि रेल यात्रा के दौरान अगर आपके पास किसी गाड़ी का मान्य टिकट है तब आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट लेना जरूरी है कि नहीं। दोस्तों, इस बात को समझने से पहले आपको भारतीय रेलवे में ट्रेन की टिकट की वैलिडिटी के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे के द्वारा एक नियम बनाया गया है जिसमें अब बताया गया है कि अगर आप किसी ट्रेन का वैलिड टिकट लिए हैं तो उसकी कुछ वैलिडिटी होती है, यानी कि उस वैलिडिटी के अंदर ही उस टिकट के द्वारा आप उस रेलवे स्टेशन पर जा सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि आप अपने सोर्स रेलवे स्टेशन पर हैं जहां से आपको ट्रेन पकड़नी है, तब आपको यहाँ पर ट्रेन के अराइवल के 3 घंटे पहले उस टिकट के द्वारा आप उस प्लेटफॉर्म पर जाकर उस ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। यहाँ पर इस नियम में यह भी बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि ट्रेन लेट हो तब आपको यहाँ पर वो समय ज्यादा हो सकता है, लेकिन जनरली यहाँ पर 3 घंटे का समय रखा गया है, यानी कि 3 घंटे पहले तक आप उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर वेटिंग रूम या जहां कहीं भी उस ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं, यानी कि उस टिकट की वैलिडिटी उस ट्रेन के अराइवल के 3 घंटे पहले तक रहेगी। अब सपोज मान लीजिए कि उस टिकट के द्वारा आप अपने डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तब उस टिकट की वैलिडिटी 0 हो जाती है, यानी कि जैसे ही आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे फिर वहां पर उस टिकट के द्वारा आप उस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकते हैं। दोस्तों, यहां पर अगर आप प्लेटफॉर्म पर रुकना चाहते हैं तब आपको वहां के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट लेना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि उस टिकट की वैलिडिटी जैसे ही खत्म होगी तब आपको वो टिकट वहां के TC को जमा कर देना होता है। रेलवे के नियम में यही बताया गया है और यहां पर आप बेटिकट हो जाएंगे, और अगर आपको वहां पर प्लेटफॉर्म पर रुकना है तब आप प्लेटफॉर्म टिकट लेना जरूरी हो जाएगा। दोस्तों, सपोज मान लीजिए कि उस रेलवे स्टेशन से जहां आपका डेस्टिनेशन था आपकी कोई कनेक्टिंग ट्रेन है जो कि 2 से 3 घंटे के बाद है, तब आप यहां पर उस टिकट के द्वारा 2 से 3 घंटे उस डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन पर वेट कर सकते हैं, यानी कि उस टिकट की वैलिडिटी ट्रेन के आने के 3 घंटे पहले तक भी रहेगी। आपको यहां पर कोई भी प्लेटफॉर्म टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते शर्त यही है कि आपके डेस्टिनेशन पर कोई कनेक्टिंग ट्रेन होनी चाहिए, और अगर कोई कनेक्टिंग ट्रेन नहीं है तब उस टिकट की वैलिडिटी 0 हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास किसी ट्रेन का वैलिड टिकट है तब आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ पर लेना पड़ेगा और कहाँ पर नहीं लेना पड़ेगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।